हेलो हमारे राजस्थान के प्यारे भाइयों और बहनों, यह वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इन द मारवाड़ी लैंग्वेज बिकॉज क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्पेशली पेरेंट्स वॉच करते हैं वीडियोस, क्योंकि सभी को अपने बच्चों को पढ़ाना है एंड हमारे पास काफी सारी क्वारी जाती है फ्रॉम द राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि सीकर, जैसे कि झुंझुनू, अब जैसे कि हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, पाली एंड लाइक करोली, दौसा एंड मेनी मेनी डिस्ट्रिक्ट। यार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसी लोकेशन से भी इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंटरनेट की वजह से लोगों को पता लग रहा है। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, 2020 के अंदर जब हम वीडियोस कन्वर्ट किया करते थे, पहली बार जब हमने कंटेंट बनाना शुरू किया था कॉलेजों के बारे में, कि लोगों को कॉलेजों के बारे में पता चले, कोर्सेस के बारे में पता चले, स्कूलों के बारे में आपको पता चले लाइक बीते क्या होता है, तो लोग जाना ही नहीं करते थे। एंड नाउ वी आर हैप्पी कि इतने सारे लोगों को जानने को मिला है कि भैया काउंसलिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, वरना इतने सालों तक तो लोग जो है इमितर पर ही जाया करता था और इमितर वाला आपका ऐसे फॉर्म भर भर के आपको दे देता था, ये ले हो गया, और वो जो चॉइस वगैरह है वो एकदम अकड़ मकड़ करके कुछ भी लगा दिया करता था एबीसी के माध्यम से, और पता भी नहीं होता था बच्चों की भैया मेरे को MBA मिला है कि मेरे को कौन सा धौलपुर में कॉलेज मिला है। तो ऐसा सीन हुआ करता था पहले, एंड नाउ अभी ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो यार सीन ऐसा है, बहुत सारे लोगों की ये क्वारी जाती है, भैया हमारी तो रेंज 10,000 है, 11,000, 8,000, 6,000, 5,000, 7,000, 8,000 की बहुत सारी क्वारी जाती है, भैया हमको अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा। स्पेशली बहुत सारे बच्चे तो अपनी जनरल रैंक बताते ही नहीं, ओबीसी वाली रैंक को आगे करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोटो कॉल्स आते हैं, 100 से ज्यादा पर डे कॉल आते हैं, बच्चे क्या करते हैं ओबीसी वाली रैंक आगे करते थे, भैया मेरे को ओबीसी में 2500 रैंक आए, ओबीसी में 3,000 रैंक है, ओबीसी में 1700 रैंक है, और भाई आपको रिजर्वेशन समझना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन बाहर जा रहा है रिजर्वेशन से आपका ओबीसी, जैसे अगर आपका 21% रिजर्वेशन है, टोटल सीटों में से 21% निकाल दो, अगर आपका 22% में आ रहा है, आप ओबीसी को भूल जाओ, आप जनरल रैंक के याद रखो। अब जनरल में भी समस्या हर जगह है, जनरल में 10,000 रैंक बन रहे हैं, 8,000 रैंक बन रहे हैं, हमारे पास टोटल जनरल वालों के लिए टोटल सारी सीटें मिला के 3,000 कुछ बची हुई है, हमको 8,000 में कैसे सीट मिलेगा भाई। अब वो खुद ही सोच रहे हैं हमको कॉल लगाते हैं क्या करें भैया, हाँ 22 अगस्त को अलॉटमेंट आएगा हमारा 8वें राउंड के अंदर, तो अब हमें क्या करना चाहिए। आज पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम सटीक के अंदर मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं इसके रिगार्डिंग, पूरा कंप्लीट। देखो पहले तो आपका टारगेट ये होना चाहिए क्योंकि आपको CAS, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक ब्रांच की तरफ जाना है, क्योंकि आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा तुमको ये बताने का कि भाई तुम CS में जाओ, तुम IT में जाओ, ये रियलिटी है। 5 साल बाद नौकरी लगेगा आप लोगों का, ठीक है, और 5 साल बाद आप अगर कोर ब्रांचेस में जाओगे ना डियर, नो प्लेसमेंट, नो टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं है, देन एकदम आपका जिंदगी वीरान हो जाएगा, आपका फ्यूचर में कोई एस्पेक्ट्स नहीं बचेंगे, क्योंकि ये जो मैकेनिकल जैसी ब्रांचेज है ना, इनमें जैसे आपको एक फर्दर डिग्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लग जाएगा, फिर आप कैसे पढ़ोगे उस फील्ड में आगे। तो पहले तो आपका यही होना चाहिए कि भाई मेरे को टेक ब्रांच में जाना, गांठ बांध ली इसकी, ठीक है। अगर किसी का एकदम ऐसा है कि भाई मेरे को तो मैकेनिकल ही लेना है, ना भगवान का वरदान है मैकेनिकल को, वही जाए उन कोर ब्रांच की तरफ, पहला तो आप गांठ बांध लो, आपको टेक ब्रांच की तरफ जाना है, ठीक है। अब दूसरा कैसे मिलेगा भैया टेक ब्रांच, 3,000-4,000 सीटें हैं, हमारी रैंक 8,000-9,000 आ रही है, कैसे मिलेगा टेक ब्रांच, ठीक है। तो आप पहले हम ट्राई करते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी जनरल रैंक अप्रोक्स अंडर 3,000 आ रही है, वेल डन है, मिल जाएगा राजस्थान में, ठीक है। ऐसा नहीं है 3,000 के अंदर, मतलब 3,500-3,600-4,000 के आसपास ऐसा, मतलब वो तो अप्रोक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब ज्यादातर मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो है 5,000-4,000 के ऊपर वाले, 10,000-11,000-12,000-13,000 तक, या फिर लोटो वैसे हैं जिन्होंने अब 12th में अच्छे हैं, जिनके 90 है भैया, 80 प्लस है, JEE की प्रिपरेशन नहीं की, कोचिंग लिया नहीं, ऐसे स्कूल से टेस्ट दिया था, लाइक देट, बहुत सारी जगह पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है, सब जगह कोटा नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, छोटी छोटी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है। देखो सबसे बेस्ट आज हमको देखने को मिल रहा है, देखो हर साल जो है
हम पिछले 6 साल से काउंसलिंग करें, 200 से ज्यादा बच्चे हर साल, 200 से ज्यादा बच्चे हम आउट ऑफ राजस्थान एडमिशन कराते हैं, 200 से ज्यादा बच्चे स्पेशली इन द पंजाब, इन द गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। अब इन लोकेशन पे कौन कौन से कॉलेजेस है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आई के गुजराल है, यानी जेल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, MRSPTU है, आई के गुजराल के काफी अच्छे कैंपस है, जैसे एक इनका अमृतसर में कैंपस है, एक इनका जलंधर में कैंपस है, खालसा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, एक अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कॉलेज है, एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में इधर हम जम्मू की तरफ बढ़े, एक हमारा हिमाचल में पढ़ता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, बहुत बढ़िया एकदम, आदियों के अंदर खिलावा कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद जम्मू की तरफ जाए तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो गया, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, बाबा साहब गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड की तरफ उधर जो है एक यू नो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में एक मध्य प्रदेश में काफी अच्छे कॉलेजेस है, IGNTU है, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, 12th बेस पे एडमिशन ले रहा है, 12th बेस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में बहुत अच्छे अच्छे ओपन मिल जाएंगे। हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, किशनगढ़ के अंदर पढ़ता है, बहुत बढ़िया लस्क्रीन, बहुत लंबा थोड़ा कैंपस है, ठीक है। उसके बाद हमारे गुजरात में भरे पड़े कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इनफेक्ट धीरूभाई अंबानी कॉलेज भी है, बहुत हाई परसेंटेज और मोटा पैसा चाहिए। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में यार बहुत सारे लोट ऑफ ऑप्शन है। अब आप लोग जो है जैसे जो बच्चे ऐसे हैं जिनका एक्चुअली में क्या है कि राजस्थान वाले में थोड़ा लाड प्यार बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब बच्चों को भेजना नहीं है, बाहर नहीं निकालना, अब पास ही रखना एकदम सीने से लगा के, राजस्थान के अंदर ही रहेगा, यहीं पे पढ़ेगा, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन अप्रोच है, ये जो कुछ कॉलेजेस हैं इनके पास मैनेजमेंट की सीटें होती है भैया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आते हैं, हमारी मैनेजमेंट में एडमिशन करा दो, हाँ, JECRC, SKIT और बला बला जयपुर वगैरह में भरे पड़े हैं कॉलेजेस। वैसे तो कॉलेज राजस्थान में कोने कोने के अंदर पत्थर फेंक के मारोगे जहां पे वहीं पे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। जयपुर वाले कुछ प्राइवेट कॉलेज भी काफी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है कॉलेजेस। उसके बाद में यार आई सजेस्ट कि आप आउट ऑफ राजस्थान जो मैंने आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस बताए आप इनकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। वी आर डूइंग द एडमिशन फ्रॉम द लास्ट 6 ईयर्स एंड 200 से ज्यादा बच्चे हम आउट ऑफ राजस्थान भेजते हैं हर साल, जो रीप से ज्यादा परेशान हो जाते हैं भैया, हाँ हाँ यहाँ पर तो मैकेनिकल मिल रहा है, यहाँ पर तो केमिकल मिल रहा है, प्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा, एंड नो वरी, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा इनोवेशन, हाँ अच्छी फंडिंग एंड लाइक दैट ब्ला 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 ब्ला, कहाँ पर मिलेगा आपको, हाँ आउट ऑफ राजस्थान। बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गया, या फिर अभी CCF जैसी खत्म होगा, कुछ कुछ सीटें बचेंगी उसके अंदर, CSEB के जो जितने भी कॉलेजेज हैं, GFTI कॉलेजेज हैं, आप उनमें जरूर से अप्लाई करिएगा, ऑफलाइन अप्रोच करिए। कोई अगर बहुत ही बढ़िया कॉलेज, आप उसके VC को अप्रोच करिए, डायरेक्टर को लेटर लिखो भाई, आप रिक्वेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। देखो यार प्यास से कोई कुएं के पास जाना पड़ता है, कॉलेज वाले आपके पास चल के नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ बचपन में ऐसा हुआ करता था कि स्कूल वाले एडमिशन के लिए आ जाया करते थे, भैया हमारे कॉलेज स्कूल में एडमिशन ले लो, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, कॉलेज वाले आपके पास नहीं आएंगे, जानना आप ही को पड़ेगा, ठीक है, जानना आप ही को पड़ेगा, एप्लीकेशन आप ही को डालना पड़ेगा। अब नो वरी, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करती है टू प्रोवाइड द एडमिशन। अगर आपका भी ऐसा कंसर्न है, आपकी रैंक बहुत ज्यादा है भैया, हमको तो CSE चाहिए, कोई आईटीआई नहीं है भैया, कहाँ पढ़ लें, नंबर कम है, हमको अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा भैया, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कम फीस में, ठीक है, बहुत सारे आउट ऑफ राजस्थान में ऐसे कॉलेजेस है। अगर आपकी इनकम बिलो 1 लाख है, आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ हो जाती है, ठीक है, आपको ट्यूशन फीस देनी ही नहीं है, आपकी पूरी की पूरी बीटेक अप्रोक्स 1 लाख से लेकर 2 लाख में कंप्लीट हो जाती है। जनरली उसके लिए आपको जो है 2-2, 3-3, 10-10, 12-12 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। तो यार नो वरी, बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शंस है, हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी पूरी हेल्प करती है टू प्रोवाइड द गुड अलॉटमेंट एट गुड कॉलेजेस। तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपका बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में अलॉटमेंट दिलाया जाता है, स्पेशली राजस्थान के भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे MBM जोधपुर है, RTU कोटा है, सिटी उदयपुर है, GEC अजमेर है, ठीक है, इनमें भी अगर सीटें बचती है, देन वी कैन हेल्प यू टू प्रोवाइड द गुड अलॉटमेंट, गुड प्रोसेस, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस टेक योर डिसीजन। एंड एक बात याद रखना कि यार ज्यादा से ज्यादा हो सके ना तो आप अपने आप को टेक ब्रांचों की तरफ फोकस करो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर
ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन सब कुछ बदल जाएगा। इनफेक्ट मेरे लाइटिंग और जो सारा सेटअप और जो फंके वगैरह, इनफेक्ट जो भी स्टूडियो में, वो सारे के सारे एलेक्सा इनेबल्ड है। मतलब ठीक है, हाथों की भी जरूरत नहीं है, बस बोलने से सब कुछ होगा। एलेक्सा कैमरा ऑफ कर दो। फिलहाल बंद करने की विशेषता सपोर्टेड नहीं है।